अभी नियोजन नीति जो हमारे न्यायालय से जो अभी खारिज हो गया है उसको ठीक करके हम लोग कि हमारे राज्य के युवा चले जाएं और हम चुपचाप बैठे रहें, ये कतई नहीं क्या होनी चाहिए। कैसे लोगों को रोजगार मिले, हमने संकल्प लिया है नववर्ष में कि युवाओं के आक्रोश को कम। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और 2022 ज़रूर बीत गया है, मगर अगर हम बात करें बेरोज़गारी दर की तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी चौंका देने वाला है। आपको बता दें कि जहां पूरे देश में 8.30% बेरोज़गारी दर है, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड जो है वो चौथे और पाँचवें स्थान पर है 18% के साथ। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, जहाँ पर युवा लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए नज़र आते हैं, चूँकि झारखंड में युवाओं की आवाज़ रोजगार को लेकर के बुलंद होती है। तो इसको लेकर के एक नई जो बातें हैं वो सामने आई है, और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने नजर आ रहे हैं। हम आपको सबसे पहले सत्ता पक्ष के नेता की बात सुनाएंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है, जहां आलमगीर आलम ने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर के, और राजेश ठाकुर ने क्या कहा इस मामले को लेकर के, सीधे सुनिए। पर झारखंड का जो एक बोलेंगे दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी हम लोग यहाँ पर नियोजन नीति बनाने की कोशिश की है या रोजगार यहाँ के स्थानीय की बात करते हैं, तभी हमेशा जो है न्यायालय को कुछ ना कुछ आदेश हम लोग के पास आ ही जाता है। हम उसका कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन झारखंड सरकार निश्चित तौर पर हर दिशा में काम कर रही है। अभी नियोजन नीति जो हमारे न्यायालय से जो अभी खारिज हो गया है उसको ठीक करके हम लोग बहुत जल्द आपको 15-20 दिन का अंदर देखने मिलेगा यहाँ के लोगों को रोजगार देने का हम लोग काम करेंगे। बेरोजगारों का रोजगार देने का सवाल है, सरकार निर्णय ले उसके लिए हम लोग सरकार से कहेंगे। और ये कतई नहीं हो सकता कि हमारे राज्य के युवा चले जाएं और हम चुपचाप बैठे रहें, ये कतई नहीं होगा। इस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। हमने अपने मंत्री महोदय से भी कहा है, तमाम मंत्रीगण से कहेंगे कि कैबिनेट की जब भी बैठक हो सबसे पहले इस पर निर्णय हो कि नियोजन नीति क्या होनी चाहिए, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा। लगातार जो युवाओं का आक्रोश है, हमने संकल्प लिया है नववर्ष में कि युवाओं के आक्रोश को कम करना है, और साथ ही साथ जो बेरोजगार हैं उनको पहले अपने राज्य में रोजगार देना है, फिर बाहर की बात करनी है। तो आपने यहाँ पर सत्ता पक्ष की तो बातें ज़रूर सुनी, उनका कहना है कि बहुत जल्द नियोजन नीति बनेगी और रोज़गार यहाँ पर युवाओं को मिलेगा। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी कहीं ना कहीं काफ़ी हमलावर नज़र आ रहे हैं। हम लोग अब आपको सीधे सुनाएंगे बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने क्या कुछ कहा है इस बेरोजगारी दर को लेकर। जो लोग केंद्र सरकार पर प्रश्न खड़ा करते हैं, अब उनको अवलोकन करने की आवश्यकता है कि राज्य में क्या स्थिति है। अगर ऑन एवरेज अन्य राज्यों की स्थिति थोड़ी अच्छी है और झारखंड अगर इस तरह से पिछड़ता जा रहा है, तो राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि यहाँ के युवा को अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो पलायन बढ़ेगा, और साथ साथ जब पलायन की समस्या बढ़ेगी यहाँ से, तो जब आप यहाँ के महिलाओं के प्रति या जो लड़कियाँ बाहर जाती हैं उनके नैतिक या तो फिर दैहिक शोषण, आर्थिक शोषण, तरह तरह की समस्याएँ होती हैं उनके साथ, तो एक माहौल बनाना होगा राज्य के अंदर जहाँ नौकरी आए। और उसके लिए राज्य सरकार को कहीं ना कहीं जमीन के जो नीति है उसमें बदलाव करना होगा और एक अनुकूल माहौल देने की आवश्यकता है। तो आपने यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुनी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि नियोजन नीति रद्द होने के कारण कहीं ना कहीं ये जो बेरोजगारी दर है वो 18% पहुँचा है। अगर नियोजन नीति रद्द नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहा जा सकता था कि यहाँ के जो युवा हैं उन लोगों को रोज़गार मिलता और इस बेरोजगारी दर में ज़रूर कुछ कमी तो ज़रूर आई रहती, लेकिन नियोजन नीति रद्द हुई जिसके बाद युवा सड़क पर आए और उन्हें रोज़गार नहीं मिल पाया। तो क्या ये जो नया साल है वो सरकार की ओर से युवाओं को नई नियोजन नीति के साथ रोज़गार देगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो देखना ये है कि इस नए साल में युवाओं को क्या कुछ मिलता है नई नियोजन नीति के साथ, क्या उन्हें रोज़गार मिल पाएगा या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।